हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर 6 होगा। लेक्चर 6 का हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विभवांतर या विद्युत वाहक बल। ठीक है, कोई भी चालक है, अगर चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस चालक के सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा या कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इसके लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये इसका जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें केवल इसका फार्मूला पढ़ना है और इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, उसके कॉन्सेप्ट के लिए हमें समझना है। तो हमने सपोज कर लिया ये कोई चालक है, ठीक है, और ये चालक जो है वो बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर प्रवेश कर रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र हमने इधर लिया, ये चुंबकीय क्षेत्र बी की डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल पर ये मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो प्रेरित विभवांतर बी बराबर होता है वो वी वी एल साइन थीटा होता है। इसका फार्मूला हमें डायरेक्ट पढ़ना है और ये होगा वोल्ट। यहां पर जो स्मॉल एल है वो इस चालक की लंबाई है, ये जो चालक है इसकी लंबाई है, या फिर अगर हम इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और ये आपका बी वी एल साइन थीटा होगा। तो समझ में आ गया, जब भी कोई चालक जिसकी लंबाई स्मॉल एल है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में इस क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल पर बी वेग से जब ये गति करता है तो उस चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो बी बराबर बी वी एल साइन थीटा होता है। अब इसकी भी कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं, उन्हें हम नोट पॉइंट्स में लिखा देंगे। सबसे पहली बात, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति करे, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश मतलब उसकी दिशा में या उसके समान अनुदिश या समांतर भी लिख सकते हैं गति करें। देखिए, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र यहां है वो चुंबकीय क्षेत्र यहां की वजह इधर हो जाएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी और जो वेग बी है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। और जब थीटा जीरो होगा तो यहां लगा दीजिए, सो बी बराबर कितना आ जाएगा, बी वी एल साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला कि जब भी कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, उसके समांतर उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल गति करता है तो कोई भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर उत्पन्न नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होता है जब कोई भी चालक फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए जाए। ये मान लीजिए फ्लक्स रेखाएं इस डायरेक्शन में जा रही हैं और चालक भी इसी डायरेक्शन में गति कर रहा है तो ये फ्लक्स रेखाओं को काटेगा नहीं। फ्लक्स रेखाओं को कब काटेगा, ये फ्लक्स रेखाएं चालक ऐसे गति करे तो देखिए फ्लक्स रेखाओं को ये काटते हुए जाएगा। तो कोई भी चालक जब तक फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटता है तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता। तो देखिए इस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा था तो फ्लक्स रेखाएं नहीं कट रही थी, इसीलिए यहां पर प्रेरित विभवांतर जीरो है। तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होने के लिए कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है कि फ्लक्स रेखाओं को काटना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कंडीशन ये है कि चालक अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो ऐसी कंडीशन में जो थीटा होगा हमारा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड है, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो थीटा आपका 90 हो जाएगा। सो बी कितना हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर, ये आपका बी वी एल साइन 90। और इसके लिए हम बी मैक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर अधिकतम होगा, बी मैक्स या फिर ई मैक्स, एक ही बात है। विद्युत वाहक बल कहे तो ई लिख दो, प्रेरित विभवांतर कहे तो बी लिख दो।
ठीक है, ये मैक्सिमम इसलिए होगा क्योंकि साइन 90 आ गया, साइन 90 की वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू होती है साइन में 1, उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती, इसीलिए हमने यहाँ पर मैक्स लगा दिया। ठीक है, तो ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी रिजरेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल या विभवांतर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा और कहाँ कहाँ पर प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, नंबर 1, प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होने के लिए पहली कंडीशन तो ये है कि प्रेरित विभवांतर तभी उत्पन्न होता है जब कोई भी चालक फ्लक्स रेखाओं को काटता है। ठीक है, अगर फ्लक्स रेखाओं को नहीं काटेगा तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होने के लिए चालक फ्लक्स रेखाओं को काटना जरूरी है। दूसरी बात, अगर कोई भी फ्लक्स रेखा नहीं कटती है तो प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा, मतलब जो प्रेरित विभवांतर होगा वो जीरो होगा। तीसरी बात, ये इसका भी बहुत न्यूमेरिकल में यूज होता है, इस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल आते हैं। कोई भी ट्रेन है और जो ट्रेन है वो पटरियों पर गति कर रही है, जब ट्रेन पटरियों पर जब वो ट्रेन गति करेगी तो गति करने में क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक हमेशा कटेगा क्योंकि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं हमेशा वो पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर होती हैं, यूं इस तरीके से। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा ये होती हैं, तो अगर कोई भी ट्रेन इस तरीके से चुंबकीय बल रेखा ये हो गई, तो जब भी कोई भी ट्रेन पटरियों पर गति करेगी, किसी भी डायरेक्शन में गति करे, इधर के लिए जाए या इधर से इधर आए, इधर जाए या इधर आए, तो ये जो आप लोगों को ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई दे रही, जो मार्कर दिखाई दे रहा है, ये हर कंडीशन में ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई जाएगी। तो जब भी कोई ट्रेन क्षैतिज पटरियों पर गति करती है तो हमेशा वो चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को कट करती है, ऊर्ध्व घटक को काटती है। ऊर्ध्व घटक के लिए आप इस तरीके से सपोज कर सकते हैं कि कोई ये हमने जमीन पर बिल्कुल जमीन से लेकर और आसमान तक इस तरीके से बहुत सारे पिलर जैसे खड़े हुए हैं, एक सरिया जैसे हमने लगा रखी है इस तरीके से। तो जब भी कोई ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में गति करेगी, जब क्षैतिज पटरियों पर गति करेगी, तो हमेशा इस घटक को काटते हुए जाएगी। चाहे आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, किसी भी डायरेक्शन में गति करेगी तो इस क्षैतिज घटक को कहीं ना कहीं काटेगी। ये क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक, इस ऊर्ध्व घटक को कहीं ना कहीं काटेगी। ये जमीन से लेकर ऊपर आपका बिल्कुल नीचे बॉटम से लेकर और टॉप तक ये फैला हुआ है इस तरीके से। तो थर्ड कंडीशन ये हो गई कि जब कोई ट्रेन क्षैतिज पटरियों पर गति करती है तो जो ट्रेन की धुरी होती है, पहियों की जो धुरी होती है, वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटती है, जिसकी वजह से उसकी धुरी के बीच, जो धुरी के सिरे हैं उसके बीच एक प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट कंडीशन, अब ले लीजिए कोई एरोप्लेन। अगर कोई भी एरोप्लेन एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है तो उसके जो पंख होते हैं वो हमेशा ऊर्ध्व घटक को काटते हैं। देखिए, ये ऊर्ध्व घटक है, कोई भी एरोप्लेन क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है, इस तरीके से एरोप्लेन आ रहा है या इस तरीके से इधर से एरोप्लेन आ रहा है या इधर से एरोप्लेन आ रहा है या इधर से एरोप्लेन आ रहा है, तो जब ये एरोप्लेन ऊर्ध्व क्षैतिज दिशा में उड़ेगा तो हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसके पंख की नोक यानी जो ब्लेड की नोक है उनके बीच में प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद देखिए, कोई भी खिलाड़ी है वो क्षैतिज ट्रैक पर पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है। देखिए, ये तो चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। ये ऊर्ध्व घटक है और ये ऊर्ध्व घटक हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो गया। तो अब देखिए, जो क्षैतिज घटक है ये पूरी पृथ्वी पर एकदम इसका जाल सा बना हुआ है, पूरी पृथ्वी पर है ये क्षैतिज। जैसे सरिया अगर हम किसी कहीं जमीन पर बिछा देते हैं तो पूरी पृथ्वी पर इस तरीके से सरिया जैसी जो रॉड है उन्हें बिछा दिया गया है, तो वो एक ऊर्ध्व घटक को प्रदर्शित करेंगे।
ऐसे ही अगर हम सरियों को जमीन पर सीधा सीधा खड़ा कर दें, तली से लेकर उसके जमीन से और आसमान तक, तो वो ऊर्ध्व घटक को प्रदर्शित करेगा। तो जब भी कोई खिलाड़ी उत्तर दक्षिण को सॉरी पूर्व पश्चिम दिशा में इस तरीके से दौड़ लगाएगा, पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ेगा, तो ये जो क्षैतिज घटक इसको कट करते हुए जाएगा। तो जब कोई खिलाड़ी पूर्व पश्चिम दिशा में किसी ट्रैक पर दौड़ता है तो वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लिए काटता है। क्लियर हो गया? अगर इसके विपरीत यही खिलाड़ी उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़े, इस तरीके से दौड़े, तो देखिए कोई भी घटक नहीं कटेगा। ये वाला घटक ये भी कटने से बच गया और ये क्षैतिज घटक है ये भी कटने से बच गया। इस तरीके से दौड़ रहा है तो दोनों घटक कटने से बच जाएंगे, ठीक है। तो जब उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है तो कोई भी घटक इंटरसेक्ट नहीं होता। ऐसे और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होगा। चलिए अब हम प्रेरित धारा को, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के आप लोगों को नियम बताते हैं कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से हम ज्ञात करें। चलिए पहले हम इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, प्रेरित विभवांतर है, प्रेरित विद्युत भाग बल से रिलेटेड। उसके बाद हम आप लोगों को प्रेरित धारा की दिशा की चर्चा करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन ये हमारा लिखा हुआ है बोर्ड पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग पहले से ध्यान से सुनिए। एक वायुयान जिसके दोनों पंखों के नोकों के बीच की दूरी 50 मीटर है, पंखों के नोकों के बीच की दूरी इस तरीके से, ये पंख है और पंखों के नोकों के बीच की दूरी क्या है, चालक की लंबाई का काम करेगी एल। तो यहां पर जो एल हमें दे रखा है वो 50 मीटर दे रखा है और क्षैतिज दिशा में 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है, क्षैतिज उड़ रहा है इस तरीके से, यू क्षैतिज उड़ रहा है। तो बी बराबर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 360, इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 का गुणा कर देते हैं, 18 × 36 20 × 20 = 100, 100 मीटर पर सेकंड की चाल से यह हवाई जहाज उड़ रहा है। उड़ान के स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र का मान, पृथ्वी का जो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र है वो b होता है, ये 4×10⁻¹⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तथा नमन कोण का मान थीटा हमें उसने दे दिया है 30 है, ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। वायुयान के पंखों के नोकों के बीच प्रेरित विभवांतर बताइए, प्रेरित विभवांतर हमें बताना है, प्रेरित विभवांतर को यू वाले कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ये निकालना है, ठीक है। अब आप लोग देखिए किस तरीके से इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो वायुयान है वो क्षैतिज उड़ रहा है, और जब वायुयान क्षैतिज उड़ेगा, जैसा कि आप लोगों को अभी हमने बताया था कि जब वायुयान क्षैतिज उड़ेगा, ये देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है, ये ऊर्ध्व घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, वायुयान क्षैतिज उड़ रहा है, चाहे वो इस तरीके से उड़े, ऐसे उड़े, या फिर ऐसे उड़े या ऐसे उड़े, ये हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेगा, और जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक ही लगाएंगे। तो यहां पर वायुयान क्या है, यहां वायुयान ऊर्ध्व घटक को काटेगा, ऊर्ध्व घटक को काटेगा, अतः जब ऊर्ध्व घटक को काटेगा तो ऊर्ध्व घटक कितना हो गया, b सफिक्स में b, ये बताया था, bb बराबर क्या होता है, b साइन थीटा होता है, bb बराबर b साइन थीटा। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक आप लोगों को पढ़ाए थे, पृथ्वी के पृथ्वी का जो चुम्बकत्व तो बताया था, तीन अवयव बताए थे, वहां पर हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया था, जो bb है वो b साइन थीटा होता है, और b की वैल्यू है 4×10⁻¹⁵, और साइन थीटा की जगह लगा दीजिए साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 लगा दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 बार जाएगा, तो 2×10⁻¹⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक आ गया। अब प्रेरित विभवांतर हमें निकालना है, तो प्रेरित विभवांतर b बराबर होता है BVL, ये तो होता है b बराबर BVL, लेकिन यहां पर b की जगह BB आएगा क्योंकि जिस घटक को काटता है वही चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर वही घटक आता है, तो यहां पर ऊर्ध्व घटक को काट रहा है, इसीलिए यहां पर b की जगह BB आएगा, ऊर्ध्व घटक आएगा,
इसकी वैल्यू अभी हमने 2×10⁻¹⁵ निकाली है। वेलोसिटी जो स्पीड है इसकी चार, वो स्पीड हमें दे रखी है ये 100, हमने 100 इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर पर सेकंड में, और लंबाई चालक की है 50 मीटर। अब इनके गुणा कर लीजिए, 1, 2, 3 0 तीन पावर को कम कर देंगे तो 5×10⁻¹² या फिर 0.1 वोल्ट। तो जो प्रेरित विभवांतर होगा या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना उत्पन्न होगा, 0.1 वोल्ट उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया। बस आपको इसमें एक ही चीज ध्यान देनी है कि ये देखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक कौन सा कट रहा है। कोई भी सवाल क्यों ना हो, इस टाइप का घटक देखना पड़ता है, और जिस घटक को काटता है चुंबकीय क्षेत्र का, वही घटक हम चुंबकीय क्षेत्र की जगह पर फार्मूले में लगाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बी की जगह बी भी लगाया है। क्लियर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एरोप्लेन के पंख उत्तर दक्षिण दिशा में है, जो पंख इस तरीके से फैले हुए, तब वो पंख कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे। और जब एक पंख ऊपर एक पंख नीचे हो जाएगा, ये तो ऊर्ध्व घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, और ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। और वायुयान के पर पहले ऐसे थे पंख, अब वायुयान के पंख ऐसे हो गए, बिल्कुल उल्टा हो गया वायुयान। तो जब इस तरीके से ये नीचे के लिए आएगा वायुयान, तो देखिए कोई भी घटक नहीं कट रहा, ना तो क्षैतिज घटक कटेगा ना ऊर्ध्व घटक कटेगा। और जब कोई घटक नहीं कटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की जगह जीरो आ जाएगा, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखिए यदि पंख उत्तर दक्षिण दिशा में है, यदि पंख उत्तर दक्षिण एनएस नॉर्थ साउथ दिशा में है तब कोई घटक नहीं कटेगा, अतः B बराबर जीरो। जब कोई घटक नहीं कटेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा, जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अच्छे से आप लोग कर लेना। चलिए अब हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, हमारा एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन यह है कि एल लंबाई की तांबे की एक क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परिता घूम रही है। देखिए ये कोई तांबे की छड़ है और एक सिरे के परिता, ये हमने एक सिरा इसका ले लिया, इस सिरे की परिता छड़ इस तरीके से ऐसे घूम रही है, ठीक है। इस तरीके से जो छड़ है हमारी वो ऐसे घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तो ये हमने ले ली छड़, ये छड़ पहले सपोज कर लीजिए ये ओ पॉइंट है, एल लंबाई की तांबे की छड़ है, सबसे पहले किसी पॉइंट पी पर थी, ठीक है, पी या कोई भी ले लीजिए कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट पर थी, और स्मॉल टी समय के बाद ये छड़ इस तरीके से डी टी समय के बाद पहले ये थी और घूमकर अब ये ऐसे यहां पर पहुंच गई। तो डी टी समय के बाद जो छड़ है वो घूमकर किसी पॉइंट क्यू पर पहुंच जाती है, और इतने समय में ये जो छड़ है वो डी थीटा कोण घूम जाती है, डी थीटा कोण घूम जाती है। तो हमें सर के जो हमारी छड़ है इसके सिरों के बीच में प्रेरित विभवांतर बताना है। यहां पर देखिए ये जो पी क्यू ओ आपको दिखाई दे रहा है ये एक वक्रीय त्रिभुज है, वक्र टाइप का त्रिभुज है। अगर ये लाइन हमारी चाप ना होकर एक सीधी लाइन होती तो हम इसे केवल त्रिभुज कहते, वक्रीय त्रिभुज नहीं कहते। तो यहां पर जो वक्रीय त्रिभुज बन रहा है ओ पी क्यू, इसका क्षेत्रफल देख लीजिए कितना हो जाए, यहां पर हम लिखेंगे वक्रीय त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणे आधार होता है, लंब की जगह पर यहां पी क्यू आ जाएगा और आधार की जगह पर यहां पर ओपी आ जाएगा, 1/2 पी क्यू गुणा ओपी लगा दिया। अब पी क्यू हमें नहीं पता है तो पी क्यू यहां पर लाना पड़ेगा, बट पी क्यू क्या है, एक चाप है, और चाप बराबर होता है कोण गुणा त्रिज्या, कोण यहां डी थीटा है और त्रिज्या यहां पर ये यह कोण हमारा डी थीटा हो गया और त्रिज्या यहां पर ये यह ओपी यानी एल के बराबर होगी, तो पी क्यू की जगह पर आ जाएगा एल इंटू डी थीटा। तब डीए कितना हो जाएगा, तब डीए बराबर हो जाएगा 1/2 पी क्यू की जगह पर एल डी थीटा और इंटू ओपी की जगह पर एल। तो ये डीए का जो मान है
वो एक बटे दो एल स्क्वायर डी थीटा हो गया। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहां पर दोनों तरफ टी का कर देंगे डिवाइड, दोनों तरफ टी का डिवाइड कर दीजिए, डीटी का हमने इधर डिवाइड कर दिया और डीटी का इधर डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी और वन अपॉन टू एल स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। बट डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो कोणीय वेग परिवर्तन, वो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर है और उस कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर के लिए हम कहते हैं कोणीय वेग ओमेगा। तो यहां पर ये आपका कोणीय वेग ओमेगा बन जाएगा, तो डी ए बटे डी टी का मान आ गया एक बटे दो एल स्क्वायर ओमेगा। इसके लिए हम यहां पर यही छोड़ते हैं। अब हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विभवांतर बताना है, तो अतः फैराडे के पहले नियम से, फैराडे के फर्स्ट नियम से, फैराडे का पहला नियम लगा दीजिए और प्रेरित जो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है वो होता है डी फाई बी अपॉन डी टी। E बराबर डी फाई अपॉन डी टी होता है, यहां पर फाई बी की वैल्यू लगा दीजिए, डी अपॉन डी टी ऐसा ही रहेगा और फाई बी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी ए, फाई बराबर होता है बी ए, तो बी को बाहर करिए, डी ए अपॉन डी टी रह जाएगा। और डी ए अपॉन डी टी किसके इक्वल है, अभी हमने निकाला था वन अपॉन टू एल स्क्वायर ओमेगा, लेकिन यहां बी ऑलरेडी चल रहा है तो बी गुणा ये ऐसे कर दीजिए, तो ई बराबर वन अपॉन टू बी एल स्क्वायर ओमेगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विभवांतर हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें प्रेरित धारा और बतानी है, प्रेरित धारा कैसे निकालेंगे, प्रेरित धारा I बराबर होता है E अपॉन R, I बराबर E की जगह वन अपॉन टू बी एल स्क्वायर ओमेगा और अपॉन में कर दीजिए R, तो ये हमारी प्रेरित धारा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लेक्चर के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं।